You're a superhero. तो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं चला रहा हूँ TVS की अपाचे RR310, द BS6 वर्जन। ये BS6 वर्जन है, तो मेरे फ्रेंड अभिनव दीपू है, वही लिया है। तो फिलहाल इसका बनाते हैं कुछ फर्स्ट राइड इंप्रेशन। मैं आज तक कभी RR310 चलाया नहीं हूँ, तो मेरे घर पे आया हुआ था, मैं सोचा कि राइड मार लेता हूँ और वीडियो भी बना देता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ इसको चला के। इसमें राइडिंग मोड्स वगैरह दिया हुआ है। इसमें करंटली अभी ये अर्बन मोड पे है और बाकी दोनों मोड जो है, रेन मोड, स्पोर्ट मोड, ट्रैक मोड, वो अभी लॉक है, क्योंकि ये अभी मतलब रन इन पीरियड में है। 133 किलोमीटर से सिर्फ चला, ये ब्रांड न्यू बाइक है और ये स्विच गेयर्स वगैरह सब है। तो मैं बाकी बातें चलते चलते करूँगा, तो चलते हैं। इनिशियल तो काफ़ी अच्छा है गाड़ी का, और एयर पोल्यूशनिंग इंडिकेटर भी दिया हुआ है, और वो रहा दीपू वहाँ पे खड़ा है। मतलब एक बात फॉर श्योर है कि ये, मतलब एक बार अगर आप बैठते हो ना इस बाइक पे, तो कहीं से फील नहीं होता कि ये 300 cc की बाइक है। तो ये काफ़ी मतलब इम्प्रेसिव है। TVS की ओर से बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है बाइक की, नो डाउट। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत ही प्रीमियम लगता है, बहुत ही प्रीमियम। मुझे तो लगता है 600 cc कैटेगरी में भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं होगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। थोड़े से वाइब्रेशन है, मैं अभी फोर्थ गियर पे हूँ 36 के स्पीड पे, लेकिन हैंडल बार में मुझे वाइब्रेशन फील हो रहा है। एक बार भगा के देखता हूँ, विंड नॉइज़ के लिए माफ़ करना, मेरे पास यार माइक नहीं है, अभी अडाप्टर नहीं है, वो ऑर्डर हो रखा है, तो थोड़ा चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूँ। अभी भगा के इसको देखते हैं थोड़ा। जैसा कि मैंने बोला, वाइब्रेशन है गाड़ी में, रिफाइनमेंट का इश्यू है। मुझे लगा था BS6 आने के बाद हो सकता है रिफाइनमेंट बढ़ गया हो या वाइब्रेशन कम हो गया हो, बट वाइब्रेशन अभी है बाइक में, क्योंकि मैं अभी इसे 100 के अराउंड ले गया था और हैंडल बार में यार वाइब्रेशन है, हल्का फुल्का फुटबैक में भी है। तो ये रेस पे तो TVS को वर्क करना पड़ेगा, और क्योंकि अगर कोई क्रूज़ कर रहा है 80-90, ये मतलब स्पोर्ट्स टूरर टाइप का है, और आप इसे क्रूज़ भी कर सकते हो, अगर कोई क्रूज़ कर रहा है तो मतलब 90-100 तो वाइब्रेशन फील होगा, तो डेट इज़ नॉट अ गुड थिंग। और बाकी पिकअप और एक्सेलरेशन की बात करें तो काफ़ी अच्छा है। पावर फिगर्स अराउंड ये 34 BHP और 34 Nm टॉर्क है। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, वो आप गूगल कर लेना, मैं बस ये फर्स्ट साइड इंप्रेशन दे रहा हूँ। मैं इसके पहले कभी चलाया भी नहीं था इसे, और ये BS6 भी मॉडल ही मुझे मिला डायरेक्ट चलाने को, तो मिरर्स काफ़ी अच्छे हैं, व्यू अच्छा मिलता है। अभी एक वॉक अराउंड टाइप आपको दे देता हूँ इसका। सो गाइस, दिस इज द अपाची RR310 BS6 वर्जन, और इसमें पेंट स्कीम चेंज हुआ था।
फ्रंट में एलईडी लाइट्स मिलती हैं प्रोजेक्टर के साथ, एक विंडस्क्रीन जो काफ़ी हेल्प करता है आपको, थ्रॉटल बाय वायर मिला इसमें भी आपको, तो थ्रॉटल बहुत अच्छा है इसका, ग्रैब हैंडल मिलता है। नो डाउट लुक तो इसकी काफ़ी अच्छी है, मतलब कहीं से भी 300 सीसी की बाइक तो लगती ही नहीं है। रिवर्स इंक्लाइंड इंजन मिलता है आपको, और ये बहुत सारा पार्ट शेयर करती है BMW के साथ। अगर आप एग्जॉस्ट बात करें, एग्जॉस्ट की बात करें, अलॉयज की बात करें, इंजन की बात करें, तो BMW में भी सेम इंजन मिलता है। तो बाइक काफ़ी अच्छी है। पीछे में टायर मिशलिन का मिला है, मिशलिन रोड 5, और टायर का साइज़ है 150/60/17। और फ्रंट में मिलता है आपको मिशलिन रोड 5 ही, टायर का साइज़ है 110/70/17। तो टायर का प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छा है। छोटा सा वीडियो था, पीछे से एलईडी लाइट्स मिलती हैं, और जो इसका सबसे बढ़िया चीज़ है वो ही है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो फुल TFT डिस्प्ले है, काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब यहाँ पे स्विचेस दिया गया, आप यहाँ पे से चेंज कर सकते हो, रेन, अर्बन, राइड मोड्स, ट्रिप डिटेल्स, माय व्हीकल प्रेफरेंस, सारा चीज़ में दिया है। और अभी मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसका मोड्स वगैरह लॉक है, क्योंकि ये बस 135 किलोमीटर से चल रहा है, तो एक बार रनिंग पीरियड में है ये, तो एक बार फर्स्ट सर्विस के बाद ही इसका मोड खुलता है। और स्विच गियर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मतलब काफ़ी प्रीमियम फील होता है, पेंट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। तो चलते हैं वापस। वन टच स्टार्ट दिया गया है इसमें, और अगर ब्रेक की बात करें तो ब्रेक का बाइट भी काफ़ी अच्छा है इसमें, मतलब ABS किकिंग बहुत जल्दी नहीं होता है, और प्रोग्रेसिव, काफ़ी प्रोग्रेसिव ब्रेक्स हैं। बाइट भी काफ़ी अच्छा है ब्रेक का, अगर फ्रंट ब्रेक को ले लें या रियर ब्रेक को ले लें। छोटा सा फर्स्ट राइड इम्प्रेशन, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बढ़िया बाइक लगता नहीं है कि 300 सीसी चला रहा है। मॉडलिंग चलाने में अच्छा है। हाँ। स्पोर्ट्स मोड आएगा ना तब हाँ। थोड़ा मजा आएगा। 10 BHP कम है ना अर्बन पे। अच्छा। और स्पोर्ट्स मोड पे 10 BHP बढ़ जाता है, उसके बाद थोड़ा पावर जो है फील कर होगा। वही है सारा।